किसान ककड़ी की खेती करते हैं उसको मुनाफा कब होगा, जब आपके ककड़ी की फसल में जो फीमेल फ्लावर व मेल फ्लावर का जो रेशियो है बहुत ही ज़ोरदार होगा। फीमेल फ्लावर व मेल फ्लावर का रेशियो अगर अच्छा है तो उसमें आपकी जो खेती है वो मुनाफा देकर जाएगी, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही हमारी जो फल का निर्माण होता है और फल अगर अधिक मात्रा में हमारी फसल में होगी तो मुनाफा हमको अधिक होगी। तो किसान भाइयों, जो बहुत से किसान जो है फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर में अंतर नहीं समझते हैं, जिसके वजह से जो ककड़ी की खेती में नुकसान उनको झेलना पड़ता है। आप भी देखे होंगे किसान भाइयों की ककड़ी की खेती आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख रहे होंगे। तो ककड़ी की खेती में आप देखे होंगे कि जो फूल की जो संख्या है बहुत अधिक होती है, लेकिन जो फूल जो होती है सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसका मेन कारण है फीमेल व मेल फ्लावर का रेशियो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि फीमेल फ्लावर व मेल फ्लावर का रेशियो को आप कैसे समझेंगे और आपकी फसल में फीमेल फ्लावर को कैसे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूँ। ककड़ी की खेती में देखे होंगे कि आपके जो फसल में फूल तो बहुत लगे होंगे, लेकिन जो फूल जो है सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फसल में जो है फीमेल फ्लावर बहुत ही कम है और मेल फ्लावर बहुत अधिक मात्रा में आपके फसलों में है। तो मेल फ्लावर जो है क्यों आपकी फसलों में अधिक है, उसकी पूरी जानकारी इसमें आपको देखने मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर को आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही जो मादा फूल जो होती है वो फल निर्माण करती है और फल से ही हमारी जो उपज है हमारी खेती है पूरा निर्भर होती है। तो सबसे पहले फीमेल फ्लावर को समझने के लिए आप एक डायग्राम आप वीडियो के डिस्प्ले में देख रहे होंगे। इसमें फीमेल फ्लावर जो होती है उसमें नीचे जो फ्लावर के नीचे ओवरी होती है या छोटा सा ऐसा भाग देख सकते हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस प्रकार फीमेल फ्लावर में जो ओवरी होती है उससे ही फल निर्माण होता है। तो ऐसे किसान देख रहे होंगे आपके जो फसल हो आपकी फसल में आप देखे होंगे जो भी फसल जो भी फूल होगी मेल फूल होगी उसमें जो फूल सिंगल फूल होगी उसमें नीचे ओवरी नहीं होगी, जिससे आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है आपकी फसल में मेल फ्लावर अधिक आने के कारण क्या है और इन कारण को आप समझकर इसमें फीमेल फ्लावर को आप अपने फसल में बढ़ा सकते हैं। फीमेल फ्लावर है वो क्यों हमारी फसल में अधिक नहीं आती है, मेल फ्लावर या नर फूल जो है बहुत अधिक मात्रा में हमको देखने मिलती है। तो सबसे पहले इसका कारण है टेम्परेचर। अभी जब आप जनवरी में इसकी बुआई करते हैं तो जो टेम्परेचर होती है वो कम होती है। हमारे क्षेत्र में जो है टेम्परेचर उस समय जनवरी में बहुत कम होती है, जैसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में जो फीमेल फूल जो है नहीं आती है, नर फूल जो है बहुत अधिक मात्रा में देखने मिलती है। तो टेम्परेचर इसके लिए मेन फैक्टर है कि इसमें नर फूल जो है आपके फसल में बहुत अधिक आई है और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगी आपकी फसल में जो फीमेल फ्लावर की जो संख्या है अधिक बढ़ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसान भाइयों वाटर मैनेजमेंट व मल्च। अगर आपके फसल में आप अधिक मात्रा में पानी देते हैं या बहुत ज़्यादा पानी आप देते हैं तो उससे भी जो है नर फूल जो है बहुत अधिक आते हैं, और अगर इसको वाटर को आप मैनेज कर लेते हैं मात्रा जो है पानी की जो है जितनी मात्रा पौधों की है पौधों को रिक्वायरमेंट है उस मात्रा के हिसाब से अगर आप पानी फसल में देते हैं तो नर फूल जो है बहुत ही कम आएंगे। तो फीमेल फ्लावर को आप बढ़ा सकते हैं वाटर मैनेजमेंट करके। इसके अलावा मल्च की जो बहुत से किसान जो है मल्च में इसकी खेती नहीं करते, मल्च में अगर इसकी खेती करेंगे तो फीमेल फ्लावर की जो संख्या है आपको अधिक देखने मिलेगी। बात करें जो नर फूल की जो संख्या क्यों होती है, तो इसकी जो स्पेसिंग है बहुत से किसान जो है बहुत ही कम दूरी में लगा देते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक दूरी की बात करें तो 1 फीट में एक पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, जिससे जो है फीमेल फ्लावर को हम फीमेल व मेल फ्लावर की रेशियो को हम मेंटेन कर पाए। इन जो है इसमें नर फ्लावर जो है इस कारण से भी आती है कि बहुत से किसान जो है यूरिया या नाइट्रोजन का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से आपकी फसल में जो है फीमेल फ्लावर बहुत ही कम आएगी। तो आप नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित मात्रा में दीजिए, जिससे आपकी फसल में जो है फीमेल फ्लावर अधिक मात्रा में आए और नर फ्लावर जो है बहुत ही कम आए। तो 5वें नंबर पर बात करते हैं और क्या कारण हो सकती है हमारी ककड़ी की फसल में जो है नर फूल जो है अधिक आने के। नर फ्लावर की क्यों
यह अधिक आती है। तो पेस्ट जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छा पेस्ट कंट्रोल शेड्यूल लेना होगा। इसमें आप अच्छे कीटनाशक का उपयोग करेंगे जिससे जो कीटों का प्रकोप आपकी फसल में बहुत ही कम होगी, तो इसमें भी फीमेल फ्लावर के रेशियो को हम बढ़ा सकते हैं। पाँचवें नंबर पर लास्ट में बताना चाहूँगा किसान भाइयों आपको कैसे आप फीमेल फ्लावर को बढ़ा सकते हैं। तो ककड़ी की फसल में जब आपकी ककड़ी की फसल दो से तीन पत्ती अवस्था में होगी, तो उस दौरान आपको क्या करना होगा, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होती है 100 PPM का छिड़काव आपकी फसल में करना होगा। इससे भी आपकी फसल में जो है फीमेल फ्लावर की जो संख्या है आपको अधिक देखने मिलेगी। इथरेल जो होती है, इथरेल का स्प्रे ले सकते हैं। इथरेल का भी स्प्रे आपको 2 से 3 पत्ती अवस्था में लेना होगा, जिससे आपके ककड़ी की फसल में जो फीमेल फ्लावर है बहुत अधिक मात्रा में दिखेगी। और फीमेल फ्लावर का रेशियो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इन कारणों को ध्यान में रखकर आप खेती करेंगे तो आपकी जो ककड़ी की फसल जो है भरपूर आपको कमाई देकर जाएगी, लाभ देकर जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।